मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज का लेक्चर जो होगा दैट अप्रोक्सीमेटली उसमें पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये टर्म्स प्लस टू तक आपको काम आएंगी। पहली टर्म है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, फाइल का मतलब लवर। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव को लव कौन करेगा? दैट इज पॉजिटिव। तो एम ए पॉजिटिव, एच पॉजिटिव, सी एच थ्री पॉजिटिव, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ये सारे क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग। या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर पाए, जैसे BeH2, AlCl3, BH3 and etc. ये सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट टर्म आती है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल फाइल का मतलब लवर। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस में चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव को कौन लव करेगा? नेगेटिव। तो जितनी नेगेटिवली चार्ज चीजें होती हैं, दे आर न्यूक्लियोफाइल। दीज आर दोज आयन्स, मॉलिक्यूल्स और स्पेशल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। They are generally negatively charged, like Cl negative, Br negative, F negative, I negative, or they can donate lone pair, like NH3, PH3, water. These are all nucleophiles. They are nucleophiles. तो आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट है होमोलिटिक फिशन। टॉपिक है फिशन। फिशन का मतलब होता है टूटना। ये दो तरह की होती है, होमोलिटिक फिशन एंड हेट्रोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन क्या होती है? होमोलिटिक फिशन होती है जब दो सिमिलर चीजों में एटम टूट जाता है, लाइक होमो। होमो का मतलब है सेम। होमो लाइक ए और ए में बॉन्ड टूट गया तो दोनों में अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये लाइट है, दिस लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहां पे H2 लिखा गया है। H2 का मतलब है लाइट। मैं आपको फिर से लिख के दिखाता हूं होमोलिटिक फिशन का मतलब क्या है। कि अगर सेम एटम लिया जाए या डिफरेंट, बट दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए। ए ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, बी ने भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये ए और बी सेम भी हो सकते हैं, लाइक इसको भी हम होमोलिटिक बोलेंगे। Cl लाइट दी, सीएल ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, दूसरे सीएल ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। दिस इज होमोलिटिक। होमोलिटिक मींस सेम। सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड टूट जाना। आप इसकी डेफिनेशन लिख भी सकते हैं, व्हेन अ बॉन्ड इज ब्रोकन, व्हेन अ बॉन्ड इज ब्रोकन बिटवीन टू सिमिलर एटम्स और विथ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इज कॉल्ड होमोलिटिक फिशन। अब हेट्रोलिटिक फिशन क्या होती है? हेट्रोलिटिक फिशन होती है लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने ए और बी लिया,
आपने एनर्जी प्रोवाइड की इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। होमोलिटिक फिशन हमने पढ़ लिया था, हेट्रोलिटिक, हमने दो डिसिमिलर एटम्स लिए, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, हमने एनर्जी प्रोवाइड की, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। हम मान लेते हैं ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ए ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब ए ने अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लिए तो ए को कितने इलेक्ट्रॉन्स का फायदा हुआ? एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ। दो इलेक्ट्रॉन जब वो लेके गया, एक इलेक्ट्रॉन तो उसका अपना ही था, फायदा तो एक ही का हुआ, तो उस पर चार्ज आएगा वन नेगेटिव और इस पर चार्ज आएगा वन पॉजिटिव। तो जब हेट्रोलिटिक फिशन होती है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, दैट मीन्स डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, एक कैटायन बनेगा एक एनायन बनेगा, और अगर एक कार्बन हुए तो एक बन जाएगा कार्बो कैटायन, एक बन जाएगा कार्बो अनायन। अगर ये कार्बन होते और किसी कारण से दोनों इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट ले जाता तो वो कार्बो कैटायन बन जाता और ये कार्बो अनायन बन जाता। फिलहाल अब ये क्या है, ये है कैटायन एंड अनायन। आइए डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन अ बॉन्ड इज ब्रोकन, ब्रोकन की ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फिशन, ऑन प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल एनर्जी अ कैटायन एंड अनायन इज फॉर्म्ड, अ कैटायन एंड अनायन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये हमारा हो गया हेट्रोलिटिक फिशन एंड होमोलिटिक फिशन। इंडक्टिव इफेक्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्लस टू तक ये आपके साथ ही चलेगा। इंडक्टिव इफेक्ट पहले मैं समझते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, फिर हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। मान लीजिए कार्बन के साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा उसको प्लस आई इफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लस आई इफेक्ट। अब मान लीजिए ये ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अगर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ेंगे तो ये प्लस आई होगा। कार्बन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मान लीजिए कार्बन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कार्बन भी हो सकता है कोई और भी हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको माइनस आई इफेक्ट बोला जाएगा। इलेक्ट्रॉन देना प्लस आई, इलेक्ट्रॉन लेना माइनस आई। अब अंडरस्टूड है, किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो जहां प्लस आई होगा वहां माइनस आई भी होगा, बिल्कुल करेक्ट है। पर हमने ये देखना है कि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे CH3, CH2, ये दो हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसके साथ हमने OH लगा दिया, ये जनरली बच्चों का फेवरेट ग्रुप होता है अल्कोहल। अब इसमें देखिए बदल कौन रहा है, OH बदल रहा है कि CH3 बदल रहा है, कार्बन बदल रहा है, तो हमें कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है। यहां पे कार्बन, एक कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
यहां पे दो कार्बन इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो यहां पे दो बार प्लस साइन और यहां पे एक बार प्लस साइन। अगर हम मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल जा रहे हैं तो बताइए क्या बढ़ रहा है, प्लस का इफेक्ट बढ़ रहा है, तो यहां पे माइनस साइन को डिस्कस नहीं करेंगे। OH ने इलेक्ट्रॉन लिया है, लेना माइनस साइन होता है, पर लेने वाला बदल नहीं रहा, देने वाला बदल रहा है। जो चीज बदल रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है। हम लिखेंगे मिथाइल अल्कोहल में प्लस साइन कम होता है, इथाइल अल्कोहल में प्लस साइन ज्यादा होता है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, इथाइल अल्कोहल एंड इथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। अब इसमें लिखिए दो कार्बन है, दो कार्बन है, यहां पे कार्बन नहीं बदल रहे, यहां पे ऑक्सीजन बदल रहे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा छीनता है, खींचता है, तो यहां पे छीनने वाले बढ़ रहे हैं, तो हम यहां बोलेंगे माइनस आई इज लेस, माइनस आई इज मोर। तो आपने क्वेश्चन के हिसाब से यह देखना होता है कि इलेक्ट्रॉन देने वाले बढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लेने वाले बढ़ रहे हैं, कौन सी चीज बदल रही है। जो चीज बदल रही है उसके हिसाब से आंसर देना होता है। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, प्लस साइन और माइनस साइन। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको प्लस साइन बोला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन्हें माइनस आई बोला जाता है, और ये हमेशा कंपैरेटिव होता है। एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर किया जाएगा, कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले रहा है, पहली चीज। दूसरी बात, ये जनरली सिग्मा बॉन्ड में होता है। अब कार्बन कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, एक तो ये सिग्मा बॉन्ड में होता है, दूसरी बात आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि तीन कार्बन के बाद इसका इफेक्ट नेगलिजिबल हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, फिर हम चार कार्बन ले लेते हैं। अब चार कार्बन का प्लस इफेक्ट तीन से तो ज्यादा ही होगा, बट नेगलिजिबल ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तीन देखिए ये भी प्लस आई शो करेगा, ये भी प्लस आई करेगा, ये भी प्लस आई करेगा, ये भी प्लस आई करेगा, पर चार का जो इफेक्ट है वो तीन से कंपैरेटिवली बहुत थोड़ा ज्यादा होगा। इसमें एक दो टेक्निकल और चीजें हैं, आइए मैं सिखाता हूं। जो मैं सिखाने लगा हूं वो किसी किताब में नहीं है, पर हां उससे समझना आसान हो जाएगा। प्लस साइन और माइनस साइन डिस्टेंस के साथ कम होते हैं। अब सुनिए बहुत टेक्निकल चीज है, ये प्लस साइन बुक में आप पढ़ेंगे कि प्लस साइन डिस्टेंस के साथ कम हो जाता है, माइनस साइन डिस्टेंस के साथ कम हो जाता है। दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि चार का प्लस साइन तीन से ज्यादा है, तो ये क्वाइट कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए। इसको समझना कैसे है, देखिए जो मैं मैथमेटिकली समझा रहा हूं आप एग्जाम में लिख नहीं सकते, समझने के लिए सिर्फ कंसेप्ट क्लियर है। मान लीजिए एक कार्बन वाला प्लस साइन जो शो कर रहा है वो 10 है, दो वाला जो होगा पहले वाले का 10 दूसरे वाले का 9, इसको मैं 10 मान लिया। अब 19 इज ग्रेटर देन 10,
बट डिस्टेंस के साथ इफेक्ट कम हो रहा है। तीन कार्बन ले रहे हैं तो पहले वाले का 10, फिर 9, फिर 8, यहां पे प्लस का इफेक्ट कितना है 27, यहां पे 19, यहां पे 10। अगर आप ध्यान से देखें डिस्टेंस के साथ इफेक्ट कम हो रहा है, एक तो ये स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट चेन बड़े होने से इफेक्ट बढ़ भी रहा है प्लस साइन। प्रोपेन प्रोपेनॉल का जो इंडक्टिव इफेक्ट है एथेनॉल से ज्यादा है, एथेनॉल का या इथाइल का मिथाइल से ज्यादा है, पर कार्बन बढ़ने से इफेक्ट कम भी हो रहा है। प्लस आई हो या माइनस आई हो डिस्टेंस बढ़ेगा तो इफेक्ट कम होगा, बट मिथाइल में ध्यान रखिएगा इथाइल का प्लस आई मिथाइल से ज्यादा, प्रोपाइल का इफेक्ट इथाइल से ज्यादा। बट अब बच्चे पूछते हैं सर अगर 10 कार्बन हो जाए 11 हो जाए ये नेगेटिव हो जाएगा, नहीं नेगेटिव नहीं होगा, ये डेसिमल्स में चले जाएगा फ्रैक्शन में चले जाएगा बट जीरो नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको प्लस आई समझ आ गया होगा, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना। आइए इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं। इंडक्टिव इफेक्ट, सपोज वी अटैच एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम और ग्रुप ऑफ कार्बन एटम चेन लाइक फ्लोरीन, नाउ फ्लोरीन एटम बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन एटम एंड इट विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, कार्बन एटम इन द चेन डेवलप्स सम पॉजिटिव चार्ज। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसने इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो ये फ्लोरीन माइनस आई शो कर रहा है, फर्स्ट कार्बन क्या शो कर रहा है प्लस आई, सेकेंड कार्बन भी प्लस आई करेगा बट इसका इफेक्ट पहले से कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर प्लस 10 है तो ये प्लस 9, ये प्लस 8, ये प्लस, बट थ्योरेटिकली ये माना जाता है कि आफ्टर 3 कार्बन से नेगलिजिबल हो जाता है, तो इट इज अप टू यू आप ये कंसेप्ट यूज करना चाहेंगे नहीं, पर रियलिटी में इफेक्ट नेगलिजिबल हो जाता है बट जीरो नहीं होता। दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन लिखिए, दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग द कार्बन चेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, राइट डाउन, दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द कार्बन चेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। दे आर ऑफ टू टाइप्स, प्लस आई एंड माइनस आई, प्लस आई एंड माइनस आई, दोज ग्रुप्स विच आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दोज ग्रुप्स विच आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दे आर कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। एग्जाम्पल CH3 कॉमा C2H5 कॉमा C3H7, इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट है माइनस आई, माइनस आई मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन NO2 COOH SO3H
एटसेट्रा। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला समझ आ गया होगा इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट आर्टिकल इज कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की डेफिनेशन क्या है? पहले तो नाम से क्लियर होना है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की डेफिनेशन क्या है लिखिए। कार्बोकैटायन्स आर दोज मॉलिक्यूल्स इन विच कार्बन हैज सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। अब इसका मतलब क्या है? अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड उसने तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये एच भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाए, थ्री बॉन्ड इज इक्वल टू सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कार्बोकैटायन बन गया। कार्बन हैज सिक्स इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड एंड हैविंग पॉजिटिव चार्ज। जो कार्बोकैटायन होते हैं वो चार तरह के होते हैं। इसको मिथाइलेटेड कहते हैं, मिथाइल विद पॉजिटिव, इसमें जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन की एक चेन से डायरेक्टली अटैच है तो उसको बॉन्डिंग बोला जाएगा, इसको मिथाइलेटेड बोला जाएगा। अगर इसके साथ दो चेन्स लगी हूं तो इसको टू डिग्री बोला जाएगा, और अगर इसके साथ तीन लगे हुए हैं तो इसको थ्री डिग्री बोला जाएगा।